एक्चुअली हम लोग का कल ट्रेजेडी हुआ था। वी आर डूइंग टाइम पास हियर वेटिंग फॉर अमृता। और ये बहुत टाइम हो गया, अभी निकलना पड़ेगा अंदर, थोड़ा आई नहीं अभी तक, वो आई नहीं है अभी तक। एक्चुअली हम लोग का कल ट्रेजेडी हुआ था, हम लोग का कल रात का फ्लाइट था और वो फ्लाइट सारे कैंसिल हो गए थे। उसके बाद 6 का फ्लाइट था, वो लोग हम लोग दे रहे थे, 6 के बाद 9 का था और दोनों फुल थे। उसके बाद डायरेक्ट ऑप्शन था 2 बजे का और हम लोग के पास ऑप्शन नहीं था, वी हैव टू टेक इट। और अभी हम लोग आए, चलो इसका वेट करते हैं और फिर अंदर जाते हैं। सो वी आर डन विद अवर चेक इन्स, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अवर गेट नंबर। अमृता इज अराइव्ड, आकाश, गुरु और राकेश। नाउ वी आर चेकिंग, आई जस्ट गॉट दिस बुक फॉर दिस जर्नी। We have just arrived at Chennai airport. Now we have our cab which will drop us at Pondicherry. Come again? So we have booked the Ola out station for Pondicherry. It's around 150 kilometers from here. We are hoping that we'll be able to see Mahabalipuram. Is it possible? I don't know. Let's see. If we can, we'll make it. Otherwise, we'll go directly to the Pondicherry. We just took a halt for a coffee. There. अभी हम लोग पेट्रोल भरने के लिए भी रुका था हम लोग के ड्राइवर ने, तो अभी हम लोग जा रहे हैं रास्ता क्रॉस करके वहाँ से कॉफ़ी लेके, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे यार। पूरा 3 आवर्स का जर्नी है तो सिर्फ सीधा सीधा जा रहा है, थोड़ा नींद भी आ रहा है, तो वी नीड अ कॉफी। इट्स 9:30 एंड वी हैव रीच्ड एट अवर होटल, होटल पॉपुलर रिसॉर्ट्स। अभी हम लोग ने हम लोग का चेक इन करेंगे, फिर थोड़ा सा फ्रेश होके हम लोग बाहर जाएंगे डिनर के लिए, देखते हैं आसपास क्या है। अदरवाइज हम लोग को होटल का रेस्टोरेंट में ही कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं। अभी हम लोग ऐसे टाइम पे आए ना कि हम लोग के होटल का रेस्टोरेंट बंद हो गया, तो हम लोग अभी बाहर आए हैं और बाहर भी ऑलमोस्ट हर एक रेस्टोरेंट बोल रहा है कि 10:30 बजे इज़ द लास्ट टाइम, तो आधे से ज़्यादा तो 10 बजे ही बंद हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे एक जगह पे आए, यहाँ पे 10 बजे 10:30 बजे तक हम लोग को खाना मिलेगा, तो वी जस्ट हैव ऑर्डर्ड। अभी आज हम लोग खाना खाएंगे एंड देन अभी कुछ करने के लिए है नहीं, हम लोग थोड़ा लेट आ गए। ये इंडिगो ने वाट लगा दी ना हम लोग की यार, कल का अगर फ्लाइट मिल जाता था ना आज का पूरा दिन यूटिलाइज होता था। ठीक है, अभी और 2 दिन है हम लोग के पास पॉन्डिचेरी में, कुछ ना कुछ तो प्लान बनेगा, लेकिन अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो अभी हम लोग सिर्फ होटल पे जाके रेस्ट करके थोड़ा सा टाइम पास करेंगे, ऐसे ही चिट चैट एंड ऑल, थोड़ा खेल लेंगे। हम लोग कांच वगैरह लाए तो उसके लिए हम लोग पीपल दिस इज अनदर डे इन पॉन्डिचेरी। जब वी जस्ट गॉट रेडी एंड वी हैड आवर ब्रेकफास्ट, नाउ वी आर हायरिंग द बाइक्स, देखते अभी उतना होता है। कल का दिन हम लोग का पूरा इंडिगो ने रून करने के बाद, देखते आज का दिन तो हम लोग को फुलेस्ट यूज़ करना है। तो वी हैव गॉट 3 बाइक्स, दे विल चार्ज यू 350 रुपीज़ पर बाइक। हम लोग ने 2 दिन के लिए लिया है, तो अभी हम लोग का फर्स्ट प्लान क्या है, कहाँ जाने का है भाई लोग? ऑरोविल, ऑरोविल। और हमारी आज की राइडर है अमृता। ये पूरा गोवा की तरह ही है, यहाँ पे बाइक्स ले लो और पेट्रोल नॉर्मल शॉप में मिलता है, पेट्रोल पंप पे जाने की ज़रूरत नहीं, मतलब पेट्रोल पंप रहेंगे यहाँ पे लेकिन ये लोग नॉर्मल शॉप में ही बेच देते हैं। सो 80 रुपीज़ पर लीटर हम लोग को मिला, हम लोग ने थोड़ा एक्स्ट्रा भी कैरी किया हम लोग के साथ, बीच में अगर किसी का बाइक बंद भी पड़ गया तो टेंशन नहीं चाहिए, राइट। अभी हम लोग जस्ट ऑरोविल के आश्रम के यहाँ पे आए, जस्ट पार्किंग किया और अभी स्ट्रेट टू द ऑरोविल। आई गेस कुछ 1 किलोमीटर का रास्ता सीधा चलना है। दिस इज द इंफॉर्मेशन एरिया फॉर दैट ऑरोविल आश्रम। इनसाइड यू विल गेट ऑल द रिलेटेड इंफॉर्मेशन अबाउट
the construction and architecture, the meaning and everything you will get over here. Okay, in case you don't understand, they have words in English as well. So this is how Auroville Ashram looks like. Okay, वैसे है तो ये 1 किलोमीटर, लेकिन धूप और गर्मी की वजह से थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा है. Artificial waterfall made up of CDs. After a hectic ride of last 1 kilometer, here we have reached at Auroville Ashram. There is an ashram inside. People meditate over there. It's a beautiful place, huh? बहुत सारे लोग यहाँ पे आके एकदम आराम से बैठे हुए हैं. इतना धूप में थोड़ा सा शेड्स है ट्रीज के, बहुत पीसफुल है यहाँ पे. और जो डिज़ाइन है, आई डोंट नो द कैमरा इज डूइंग द जस्टिस, इट्स ऑसम. अभी हम लोग ने कुछ आधा घंटा बिताया यहाँ पे, फोटोशूट एंड ऑल एवरीथिंग इज डन. सो अभी जाते हैं और फ्रेंच कॉलोनी जाके वहाँ से लंच और उसका देखते हैं. उसके बाद शाम को हम लोग जाएंगे पैराडाइज बीच, और फिर कुछ तो बोट राइड है, वो शाम को 5:30 बजे से पहले करना रहता है. देख लेते हैं. गांधी जी यहीं पे आसपास कहीं पे तो हम लोग का वो कैफे है, वहाँ पे जाके हम लोग लंच करने वाले हैं. बहुत साफ सुथरा और अच्छा है यार. चलो, आफ्टर सर्चिंग लॉट मेनी होटल्स वी केम टू द पास्ता ला वेनेटो. See the sea face, all the city, colourful city. यहाँ पे पूरा गोवा जैसा फीलिंग आ रहा है भाई. सारे कलरफुल वॉल्स और सी फेस, धमाल मजा आ रहा है, धमाल. After having a delicious food, we are back again at Rock Beach. And this is a lake cafe, you must try it. It's more like our marine drive. There is Chacha Nehru. It's a lighthouse. And look who's here. Gandhi. Paradise Beach. अभी तक का देखा हुआ सबसे क्लीनेस्ट बीच है, और वहाँ पे सनसेट हो रहा है पीछे. यहाँ पे आए तो थोड़ा टाइम अंदर चले जाते हैं. Awesome. चलो, टाइम पास एंड फोटोग्राफ्स.
अभी निकलते हैं और आगे आकाश का इच्छा है कि उसको कॉफ़ी पीना है वहाँ रॉक रॉक बीच के यहाँ पे, तो या लेट्स सी, वहाँ पे एक ले कैफ़े करके था कोई, तो ले या ले कैफ़े, सो वहाँ पे जाके हम लोग अभी कॉफ़ी पीएंगे।